हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय शमशान घाट के आसपास सफाई की। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी आह्वान किया कि वह अपने गांव आसपास के परिवेश को साफ सुथरा रखें। इस अवसर पर भासुमा के युवाओं ने भी सफाई अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर में सफाई अभियान अब महीने में 4 बार आयोजित किए जाएंगे, जो कि नियमित रूप से होंगे। इस मौके पर सभी पदाधिकारियों ने स्वच्छता का संदेश लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया और सफाई अभियान में उत्साहपूर्ण भाग लिया। जब से हमारी केंद्र में सरकार बनी है, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक एम्बिशन है कि हमारा देश जो है वो हर इलाके एनवायरमेंट और बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, और उनके प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए लगातार जब से हमारी सरकार बनी है केंद्र में, तब से और प्रदेश में, जैसे एक डेढ़ महीने पहले हमारी सरकार बनी है तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी सफाई की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसलिए आज हम अपने जो युवा जो मंडल है हमारा भारतीय जनता पार्टी का हमीरपुर का, उसके सहयोग से लोगों को ये जागृत करने के लिए कि भाई सफाई का विशेष ध्यान रखें, इसके उपलक्ष्य में आज हम यहाँ इस जगह इकट्ठे हुए हैं और अपने युवक मंडल के साथ, युवा जनता पार्टी के साथ हम भी इसमें आज शामिल हुए हैं ये संदेश देने के लिए कि हमारे जितने भी यहाँ पे जो लोग हैं हमीरपुर के हैं चाहे हिमाचल प्रदेश के हैं, सफाई का विशेष ध्यान रखें। शहरी इकाई अध्यक्ष तेन सिंह ने कहा कि युवा मोर्चा ने सफाई अभियान के तहत पीएम मोदी के सपने को साकार करने के लिए योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले जिला प्रशासन ने भी सफाई अभियान शुरू किया था, लेकिन बाद में कोई सफाई नहीं हो सकी, इसलिए युवा मोर्चा अब सफाई अभियान में कूद पड़ा है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा हमीरपुर मंडल जो है स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ा रहा है। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी स्वच्छता के बारे में पूरे देश के बारे में चिंतित है, तो उसी तरह आज हमीरपुर के इस हथली खड्ड में बाजुमो मंडल ने जो है इस सफाई अभियान को शुरू किया है, जिसके चलते आज युवा मोर्चा हमीरपुर जो है यहाँ साफ सफाई करेगा, जो भी पॉलीथीन यहाँ पे है साफ सफाई करेगा। जिस तरह प्रशासन ने भी डीसी, जो पिछले डीसी थे उनके माध्यम से भी काफ़ी सफाई अभियान यहाँ अतली खड्ड में चलाया गया, पर उसका कोई परिणाम नहीं निकला, तो हम इस सफाई अभियान के माध्यम से जो प्रशासन है उसको भी चताना चाहेंगे कि जो सफाई व्यवस्था जो हमारे शहर में है वो ठीक बनी रहे, और जिस तरह जो गंदगी का माहौल शहर में है वो ना रहे। और एक और सुझाव मैं मीडिया के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि जो स्वच्छ भारत ऐप है उसके माध्यम से आप जो जहाँ भी गंदगी है वो डाल सकते हैं। मात्र आपने स्वच्छ भारत ऐप अपने प्ले स्टोर में जाके खोलना है और उसको जो है अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप जो भी जहाँ आपको गंदगी दिखती है उसकी फ़ोटो डालिए, उसके तुरंत कार्रवाई हो। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सचिव विजयपाल सुहारू, भासुमा मंडल अध्यक्ष पंकज मीनास, मंडल महामंत्री पंकज पटियाल, उपाध्यक्ष सुनील शर्मा, मीडिया प्रभारी अखिल ठाकुर, हमीरपुर मंडल के प्रभारी अजय प्रसाद, शहरी इकाई अध्यक्ष तेन सिंह, उपाध्यक्ष अनुज ठाकुर, बिक्की कंवर, राजेश पटियाल व सूर्य आदि उपस्थित रहे।